सक्सेस सीडीज में आपका स्वागत है। आज हम OMR फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OMR मानव द्वारा विशेष रूप से प्रिंटर पेपर या डॉक्यूमेंट्स पर किए गए मार्क्स को पहचानता है, जिनका उपयोग एग्जामिनेशन, सर्वेज आदि में किया जाता है। यह आमतौर पर वहां उपयोग किया जाता है जहां लार्ज नंबर्स में एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं और डेटा को इमीडिएटली और एक्यूरेसी के साथ प्रोसेस किया जाना है। डॉक्यूमेंट से डेटा एक OMR रीडर के साथ पढ़ा जाता है। डेटा शीट को एक स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया जाता है जो फॉर्म पेपर पर लाइट बीम को चमकती है और लिमिटेड लाइट ट्रांसमिटेंस के एरिया का पता लगाता है, अर्थात ब्लैंक एरिया की तुलना में मार्क्ड एरिया रोशनी दर्शाते हैं। यह 1% से भी कम एरर देता है। जिन एप्लीकेशंस में OMR का उपयोग किया जाता है वे हैं एग्जामिनेशंस, सर्वेस, इलेक्शन, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक फॉर्म एंड बैंकिंग एंड और इंश्योरेंस। इससे पहले ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए स्पेशल इंक, स्पेशल पेपर और स्पेशल इनपुट रीडर की आवश्यकता होती थी, जो पूछे जाने वाले प्रश्नों को रिस्ट्रिक्ट करता था। अब यूजर सूटेबल क्वेश्चन पूछ सकता है और अपने फॉर्म क्रिएट कर सकता है। औसतन जांच में इसमें 5 मिलीसेकंड से भी कम समय लगता है। यूजर्स किसी भी प्रकार के मार्क, सर्कल, स्क्वायर, इलिप्सिस का उपयोग कर सकता है। OMR सिस्टम का नुकसान यह है कि यूजर बड़ी संख्या में टेक्स्ट कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यह डेटा को कॉम्प्लिकेट बनाता है और इस प्रोसेस में डेटा छूट सकता है। साथ ही OMR सिस्टम में केवल MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको OMR फुल फॉर्म के बारे में और भी जानकारी हो तो कमेंट में शेयर करें। इस प्रकार की जानकारी के लिए सक्सेस सीडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।